दोस्तों तुम लोगों में से बहुत से लोग थॉर भैया के चाहने वाले होंगे, जिसमें से एक मैं भी आता हूं। और अब पता नहीं कि हम लोगों को थॉर भैया का सोलो मूवी कब देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मार्वल का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है थॉर का अगला पार्ट बनाने के लिए। देखो थॉर ने ये प्रूव किया है कि वो एमसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। थॉर द गॉड ऑफ थंडर ने कॉमिक्स के बहुत सारे पावरफुल विलन्स का सामना भी किया है, लाइक लोकी, मेलेकिथ, हेला, थानोस और गॉड द गॉड बुचर। लेकिन तुम लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये सारे थॉर के विलन्स कुछ ही पावरफुल विलन्स हैं, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल विलन्स को एमसीयू ने अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। और ये सारे विलन्स को लाइव एक्शन में देखने का अलग ही स्वाद होगा। देखो किसी भी सुपर हीरो मूवी में पावरफुल विलन्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि ऑब्वियसली हीरो से भी ज्यादा ताकतवर हो, और थॉर के विलन्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इस वीडियो में हम थॉर के ऐसे विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अभी तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है। सारे विलन्स को उसके पावर के हिसाब से रैंक करने वाले हैं, तो तुम वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सातवें नंबर पे है मंगूज, जिसको तुम नेवला भी बोल सकते हो। मंगूज के पास ऐसी पावर है कि वो दो पैरों पे चल सकता है और सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ तो है ही। मंगूज पहली बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 283 में दिखाया गया था, फिर इसको बाद में थॉर को मारने का काम सौंपा जाता है। मंगूज थॉर के जितना तो पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि वो एमसीयू में अपीयर्ड हो सकता है। छठवें नंबर पे है मिनोटोर, जिसको तुम डेरियो एगर भी बोल सकते हो। देखो डेरियो एगर थॉर का प्राइमरी विलन आराम से बन सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, और ये कोई भी मिथिकल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। देखो थॉर लव एंड थंडर का तो बहुत खराब मजाक उड़ाया गया है, लेकिन उसके मिड क्रेडिट सीन में हरक्यूलस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो तुम इसके अलोंग साइड मिनोटोर को भी इंट्रोड्यूस कर ही सकते हो एज अ सेकंड एंटागोनिस्ट। पांचवें नंबर पे है एनचांट्रेस। एनचांट्रेस एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी है, जिसे कॉमिक्स में थॉर के लव इंटरेस्ट के तौर पे दिखाया गया है। एनचांट्रेस थॉर को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे कुछ रीजंस की वजह से ये थॉर का एनिमी बन जाती है, और भैया ऐसे जादूगरनी को लाइव एक्शन में देखने का अलग ही मजा होता है। चौथे नंबर पे है उलीक। उलीक एक रॉक टोरस के नाम के स्पेसीज को बिलोंग करता है, जहाँ का वो मोस्ट पावरफुल मेंबर रहता है। देखो उलीक के पास बहुत मोटी चमड़ी होती है, जो कि वो किसी भी हमले को आराम से डिफेंड कर सकता है। इसके पास उतना एबिलिटी तो नहीं है, तुम इसे ये मत समझना कि ये डेंजरस भी नहीं है। उलीक कुछ बारी गॉड ऑफ थंडर को परास्त भी कर चुका है, जिससे इसको थॉर के पावरफुल विलन्स में से गिना जाता है। तीसरे नंबर पे है पेरिकस। पेरिकस डार्क गॉड्स का एक सदस्य होता है, जो कि एस्गार्डियंस के ठीक अपोजिट है। एक बार पेरिकस और डार्क गॉड्स स्कार्ड में जाते हैं, जहाँ पे वो मयूनीर को नष्ट करने में सक्षम रहता है और सारे एस्गार्ड के वासियों को घुटने पर ला देता है। तो तुम ही सोचो कि इसको लाइव एक्शन में देखने का कैसा मजा होगा। हमारे दूसरे नंबर पे है द मिडगार्ड सर्पेंट। लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मिडगार्ड सर्पेंट लोकी का बेटा है, जिसका दूसरा नाम जॉर्मुंडगैन भी है, और ये थॉर के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक है। मिडगार्ड सर्पेंट एक बहुत विशाल प्राणी है, जो कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए नुकीले दांत का इस्तेमाल करता है, और इसने कॉमिक्स में बहुत सारे एस्गार्डियंस को मारा भी है, जिससे इसको थॉर के पावरफुल ट्रेट में से गिना जाता है। तो हमारे एक नंबर पे है गैलेक्टस। गैलेक्टस मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है। ये बस थॉर के सामने ही नहीं बल्कि पूरे एवेंजर्स के सामने खड़ा हो सकता है, और डेफिनेटली इसको एवेंजर्स के सामने ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन गैलेक्टस और थॉर का अपना एक इतिहास है, इन दोनों का आमना सामना बहुत बारी हुआ है, जिसमें से कई मौके पर गैलेक्टस की जीत भी हुई है। और अब बस वेट करते हैं कि गैलेक्टस को कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बस भैया हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही था। तुम बताओ कि इन सारे विलन्स में से तुम किसको देखना चाहोगे लाइव एक्शन पे, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय श्री राम।